आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तहतक। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पांडे शालू। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तहतक। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति की हत्या। कहते हैं कि कोई हत्यारा अपने गुनाह को लाख छुपाने की कोशिश करे, लेकिन वह छुप नहीं पाता है, आखिरकार कानून की गिरफ्त में जरूर आ जाता है। कुछ ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सामने आया है। सीतापुर के कोतवाली देहात क्षेत्र के मोहल्ला रामकृष्णपुरी नेपारापुर निवासी रोहित वर्मा की शादी लगभग 11 साल पहले हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। रोहित के 2 बच्चे हैं और वह अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी जीवन यापन कर रहा था, लेकिन शादी के 11 साल के बाद एक अपरिचित व्यक्ति के साथ उसकी पत्नी का संपर्क हो जाता है। फिर क्या, जिस पति के साथ 7 फेरों की रस्मों के साथ कस्में खाई थी, साथ जीने और मरने की सब भूलकर अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी, और तो और पति का आनन फानन में अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। मृतक के पिता अपनी बहू को सीतापुर से गांव लेकर चले जाते हैं। एक दिन मृतक की पत्नी ने अपना फोन एक बच्चे को दिया और कहा कि यह नंबर डिलीट कर दो। बच्चे ने तत्काल मृतक के पिता को फोन कर दिया और कहा, आंटी यह कह रही हैं कि यह नंबर डिलीट कर दो। पिता ने फोन का पूरा रिकॉर्ड चेक किया और फोन की तस्वीरों को देखकर पिता के होश उड़ गए। प्रेमी के साथ तस्वीरों को देखकर पिता भयभीत हो गया। जब पिता को शक हुआ तो बहू से पूछा तो उसने अपना जुर्म कबूल किया। पिता ने तत्काल थाना कोतवाली देहात में अपनी बहू व उसके प्रेमी के खिलाफ तहरीर दी और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। सीतापुर से हमारे संवाददाता मदन सिंह यादव की रिपोर्ट। बाबू जी, आपका बेटा कैसे, क्या हुआ, क्या हुआ मामला पूरा? सर ये बात जो है 22/9/2022 की बात है और 21 रात में वो खत्म हुआ। 22/9 को जो हमें सुबह हमारी बहू के भाई ने फ़ोन किया, प्रदीप ने। अब हम लोग थे लखनऊ में, हमारी माता जी सीरियस थी ज़्यादा, उनको देखने गए थे। उस रात हम लोग लखनऊ में थे सब लोग, यहाँ पर हमारा बड़ा बेटा और उसकी बहू और 2 पोता थे केवल। तो 22/9 को सुबह बहू के भाई ने फ़ोन किया कि पापा कहाँ हो, तो हमने कहा हम वापस जा रहे हैं, तो कहा आप सीतापुर आ जाओ, आपके लड़के ने रोहित ने दारू ज़्यादा पी ली रात में और वो ख़त्म हो गए। तब हम लखनऊ से हमारा पूरा परिवार आए यहाँ, तो यहाँ पर देखा कि रोहित की लाश कमरे में बेड पर पड़ी हुई थी। तो बहू से पूछा तो उसने बताया कि कल शाम को तो ठीक थे, दारू वारू पिए, खाना खाए, अंडा खाए, पेप्सी पिए, सब बताया, और कहे भैया पता नहीं क्या हो गया, रात में ख़त्म हो गए। कल सुबह हमने बताया, कहा कि सुबह 8 बजे हमने चाय के लिए जगाया, तब देखा ख़त्म हो गए। आपने अपनी बहू पे आरोप लगाया है, तो क्या ऐसा पूरा मामला है? बहू पे आरोप इसलिए लगाया है कि हमें पहले से कोई शक नहीं था, आरोप वाला तो हम बहू की विश्वास बातों पर विश्वास करके हम गांव लिए चले गए और हमने अंतिम संस्कार कर दिया 22 तारीख को। उसके बाद में बहू ने दूसरे दिन हमारे भतीजे से कहा कि हमारे मोबाइल से एक नंबर डिलीट कर दो। तब हमें हमारा भतीजा मोबाइल लेकर बाहर हम लोगों के पास आया, जहाँ हम लोग बैठे हुए थे, उसने बताया भाभी एक नंबर डिलीट करने को कह रही हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि किसका नंबर हो सकता है, डिलीट करने की क्या बात है। फिर उसका मोबाइल लिया, मोबाइल चेक किया इन बच्चों ने, तो मोबाइल में 2 फोटो मिले, बहू का एक अपरिचित लड़के के साथ में सेल्फी लिया हुआ फोटो और उसी रात का, और मेरे ही कमरे मकान के ऊपर वाले कमरे के बैठा हुआ। तब हमें एकदम शक हुआ कि ये तो हम इसने मर्डर करा दिया, क्यों टाइमिंग देखी उसकी, टाइमिंग भी 12:30 की, अब उसी रात ये 9 की रात किया है फोटो। जब ये पूरा देखा तब जाके हमको शक हुआ कि ये तो इसने मर्डर कराया है, इसके अवैध संबंध थे किसी से, इसलिए इसने मर्डर कराया। उसके माँ बाप और चाचा भाई और हम पूरा परिवार, हमारा सब घर के लोग, सबके सामने उससे पूछताछ की। तो पूछताछ की, हमने बताओ ये फोटो है तुम्हारे साथ में सेल्फी लिया हुआ और इस हिसाब से बैठी हो जैसे पति पत्नी बैठते हैं, इस हिसाब से फोटो कराए आदमी के साथ में, कैसे तुमने लिया, क्या है, कौन है? तब उसने बताया कि हम जानते नहीं, नाम नहीं जानते हैं, और ये इससे पहले भी 2-4 बार आ चुका है, आया घर पे, आता है, कहीं जब हम आप लोग नहीं होते थे तब हम बुलाते थे।
इसने बताया, और कई उस दिन भी कि जो हमारा लड़का जो खत्म हो गया रोहित उसको बताया कई उसी। अब समय हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइव खबरों की तह तक, और हाँ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट के लिए आइकॉन बेल दबाएं। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव खबरों की तह तक।